कौन हो तुम? सलामुनलैकुम। आंखें तो तुम भी रखते हो, देख नहीं रहे हो, तुम्हारी तरह मैं भी एक अरब हूँ। ये अफवाह तो है कि हम लोग अंधे लोगों का गिरोह है। चलो अपनी बीनाई इम्तिहान किए लेते हैं। अच्छा, तुम अरब हो? हाँ। ये तुम कैसे अरब हो जो दीन की परवाह किए बगैर गाना गा रहे हो? गमनामा पढ़ रहा था। हाँ, तो हम सिर्फ अंधे ही नहीं हैं, बहरे भी हैं। गमनामा था, इसके आंसू गवाह हैं। रो कर दिखा दे, रो कर दिखा। तुम्हारा कुर्ता बहुत ऊंचा है। जी हाँ, छोटा है, चलने में आसानी के लिए। ना इतना ऊंचा। कुर्ते के छोटे होने में बीवी का कसूर। फट गया था, ये सी देती मगर इसने ना सिया। चुप रहो, जानते हो अरब का इतना ऊंचा कुर्ता पहनने का मतलब यानी सुन्नत को तोड़ना है। क्या नहीं तोड़ी तुमने सुन्नत? हम जैसे गरीब बद्दुओं का लिबास कम अज कम 100 साल चलता है। जब तक नया है तो जुब्बा, फिर छोटा होकर हमारी कमीज बन जाती है, और जब कमीज भी छोटी हो जाए तो हम सर का रूमाल बना लेते हैं। अब हमें जाने भी दो, चल भाई चल। बड़े बेजार हो तुम हमसे, क्यों? मजबूरी है, मेरी बीवी बीमार है। हाँ, खुदा बला से बचाए। खुदा बचाए। बहन की तकलीफ क्या है? हामिला है। मरहबा अरब, मरहबा। इतनी मुर्गियां और बच्चे की विलादत में खाना भी नहीं खिलाओगे? ये तुम कैसे अरब हो? काश ना होता। तौबा तौबा, क्या बकते हो ए गुनाहगार इंसान। तो क्या करूं, तुमने जो हमारा रास्ता रोक लिया है। अगर राहजन हो तो ये मुर्गियां, जुब्बा और जो चाहो ले जाओ, और अगर मुसलमान हो तो पहले बता चुका हूं कि मैं अपनी बीवी को अपने चचा के यहां आराम के लिए ले जा रहा हूं। आखिर बताओ तो सही, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तुम्हारे ख्याल में हम कौन होना चाहिए? नफरत से पाक दिल एक नेक इंसान और मेरी बीवी के लिए महरम। उस शर्त के साथ कि तुम खयानत न करो। कैसी खयानत? चलो हमारे साथ, अभी पता चल जाएगा। तुम लोग मेरी चीजें लेने के लिए ऐसा कर रहे हो? अरे मुझ पर रहम नहीं करते, ना करो। अरे मेरी बीवी को तो छोड़ दो, वो बीमार है, छोड़ दो इसे। खुदा के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सरदार से इसकी शिकायत करूंगा। छोड़ दो इसे, तुम कैसे अरब हो? तुम कैसे अरब हो? Thank you.
घबरा नहीं, ये सब अच्छे और बुजुर्ग लोग लगते हैं। अरे भूल गए तुम लोग, क्या जंगे सिफायन तुम्हें याद नहीं? वहां मैंने तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक खाना पकाया है और तुम लोगों की खिदमत की है। तुम्हारी शिकायत तुम्हारे सरदार से करूंगा। जितनी दफा तुम लोगों ने मेरी नामूस पे निगाह डाली है, अब तुम उतने ही कोड़ों के मुस्तहक हो। मैं शिकायत करूंगा, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे सरदार से शिकायत करूंगा। घबरा नहीं, इनकी दाढ़ियां और पेशानियों पे सजदों के निशान तो देख, ये अच्छे लोग मालूम होते हैं। इस औरत को छावनी में नहीं लाना चाहिए था। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा खुदा के गुनाहगार बंदे? मेरा नाम अब्दुल्ला है और पहचान सुन्नत मोहम्मद, बाप का नाम खुबाब, जो गैर मारूफ असहाबे रसूल में से था। किस मसलहत के बिना पर मुसलमान दो असल को एक फर पे कुर्बान कर दे? मैं सिर्फ इतनी ही मसलहत जानता हूँ कि मेरी बीवी बीमार है और इसे जल्द से जल्द आबादी में पहुंचा दूं। उल्टी बात मत कर खाइन, सुन और जवाब दे। शबे कद्र और शबे मामूर में कितनी तस्वीरों का फर्क है? मैं नहीं जानता। नमाज सुबह कितनी रकात है? तुमसे नहीं पूछा है। बैठो, बैठ जाओ। फुरादा पढ़ते हो या जमात से? क्या मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो? इमाम और मुख्तदा कौन है? मेरा इमाम और मुख्तदा सिर्फ हक है। बड़ी जबान चला रहा है। हाँ बेचता हूँ, दो मिसकाल मारेफत के भाव में। हवा बहुत गर्म है, मेरी बीवी बीमार है। तुम हमें पहचानते हो? लगता है नए राहजन हो और हमें कारवान समझ लिया है। दिल की तस्कीन के लिए मैं तो गमनामा पढ़ रहा था ताकि तूलानी सफर तय हो सके। ऊंचा लिबास इसलिए पहनता हूँ ताकि पत्थर और झाड़ियों को हटा हटा कर आसानी से चल सकूं। ये क्या जुर्म है? इसी तासुब की वजह से तुम लोग दोस्त और दुश्मन की शिनाख्त से महरूम हो गए हो। क्या शाम के नाम से भी किसी शहर के बारे में सुना है जहां मुआविया की हुकूमत है, जिसके कुत्ते की सिर्फ आधे दिन की खुराक तुम्हारे और मेरे 10 लिबासों के बराबर है? मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अच्छी बात की है। किसी हदीस से हमें सैराब करो और जाओ। ठीक है। मेरे वालिद ने रसूल खुदा को फरमाते हुए सुना है, फरमाया था कि एक ऐसा फितना बरपा होगा जब जिस्म से पहले दिल मुर्दा हो जाएंगे। जो रात में मोमिन होंगे वो सुबह काफिर, और जो सुबह काफिर होंगे वो रात में मोमिन हो जाएंगे। भाईचारगी पर बोलो, रहम अल्लाह मन करा अल-फातिहा मा सलावात। तुमने हमारे मुतालिक हदीस सुनाई। अली हकमियत से पहले क्या थे? अमीर अल मोमिनीन। हकमियत के बाद क्या हुए? अमीर अल मोमिनीन। जंग सिफीन में तुम थे? खाना पकाता था। नहीं देखा तुम्हारे अमीर अल मोमिनीन ने सिफ़ैन का फैसला हकमैन के हवाले कर दिया? क्या तुम्हारे इमाम पर जायज था कि मुसलमानों का खून इंसान जैसे अबुल खता की हकमियत के हवाले कर दे? मुसलमानों का खून कुरान की हकमियत के हवाले किया था, जब देखा कुरान के मुताबिक नहीं है तो रद्द कर दिया। तो तुम अली के साथ हो? ऐ बंदे खुदा, अव्वल ही ये पूछ लेते, गुद्दी से घुमा कर लुकमा क्यों खाते हो? तुम उनके साथ हो? कैसे अली से मोहब्बत ना रखूं? इसकी पहनी हुई एक एक चीज फिदिये जहरा है,
वो जमीन जिससे हमारी गुजर बसर होती है अली का दिया है। जब अली ही की वजह से हमारी जिंदगी और सांसें हैं, फिर भी हम उनसे मोहब्बत ना करें तो ये जिंदगी किस काम की? फिर तो तुम उसी तरह मरोगे कि तुम्हारे इत्तेकाद के मुताबिक हो। मैंने तो अभी अपनी मोहब्बत का सबूत ही पेश नहीं किया जो अपने इरादे के मुताबिक हो। हम सब ने तुम्हें सुना है। शमशीर लाओ। घबराओ नहीं,